इसके माध्यम से जो गरीबों को लाभ मिलना है, गरीबों का कल्याण होना है और देश विकसित हो, इस संकल्प के साथ जो बचे हुए लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और उनको योजना का लाभ मिला ये भी बताने का काम किया जा रहा है। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री मंदिर को गुलामी बोला है कि मंदिर जाइएगा तो गुलाम होइएगा। देखिए, जिस पार्टी में एक राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो और राजकुमारी हो, तो जिस पार्टी में राजकुमार और राजा का कंसेप्ट हो, पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो गुलाम है। हम तो आत्मा की शांति के लिए भगवान के शरण में जाते हैं और शरीर के शांति के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। जिनको ये ही ज्ञान नहीं है उस पर क्या बोलना है। ये अजय यादव है, राजद बम ब्लास्ट हो जाएगा। अजय यादव है, कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में और राम मंदिर में हो सकता है लोग बम ब्लास्ट निकला दे, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिसका मानसिक रूप से लोग बीमार हों, जिनका पूरा परिवार, माताजी जेल में रह गई, पिताजी जेल में रह गए, तो हमको लगता है उनका भी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। राजद पूर्ण रूप से तुष्टिकरण के चक्कर में इस बिहार और देश में जो स्थिति बनाई है वो स्पष्ट दिखता है कि ये लोग तुष्टिकरण के चक्कर में ये सारी बातों को बोलने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को